दो साल के अंदर बजरिया का जो स्थिति है वो हम लोग ऐसी कर देंगे कि शहर से लोग यहाँ पर घूमने आएंगे। निकाय चुनाव में अभी समय है, परंतु चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी जुगत में लगे हैं, वोटरों को समझाने व पैड बनाने में लगे हैं। नाराज वोटरों को मनाने के लिए जान पहचान के लोगों द्वारा पैड बढ़ाने का कार्य चल रहा है। रिश्तेदार व करीबियों का सहारा लेकर चुनावी फिजा बनाई जा रही है। पुराने वोटरों व मोहल्ले दर मोहल्ले पैड रखने वालों की पूछगछ प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि आरक्षण को लेकर परिदृश्य अभी साफ नहीं है, परंतु फिर भी संभावित प्रत्याशी वार्ड बाई वार्ड बैठ के कर जुगत में लगे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया का। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। समाज सेवी मोहन अग्रवाल का निकाय चुनाव को लेकर दौरा चालू है। इसी को ध्यान में रखकर शहर के वार्ड नंबर 31 अशफाक उल्ला खान नगर में बीते दिन फरुखाबाद विकास मंच के बैनर तले बैठक की गई, जिसमें वार्ड के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक बदरिया फील्ड के निकट की गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान संरक्षक संस्थापक ने संगठन के वार्ड कमेटी की जिम्मेदारी अवनीश गुप्ता अध्यक्ष, सीटू गुप्ता, जीतू गुप्ता व आसिफ खान को उपाध्यक्ष, अवनीश गुप्ता और राघव को महामंत्री मनोनीत किया और सैकड़ों लोगों ने समाज सेवा के जज्बे को दिल में लेकर सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान मोहन अग्रवाल ने ऐलान किया कि यदि आपका आशीर्वाद मिला तो नगर पालिका क्षेत्र में महिलाओं की समस्याओं का निस्तारण हेतु महिला सहायता केंद्र अलग से बनवाएंगे। उन्होंने वर्तमान पालिका अध्यक्षा पर तंज कसते हुए कहा कि नगर पालिका का प्रतिनिधित्व महिला का अध्यक्षा के हाथों में है, परंतु फिर भी महिलाओं की समस्याओं का प्रमुखता नहीं दी जाती, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। साथ ही साथ बदरिया फील्ड की ओर देखते हुए कहा कि यदि पालिका चाहती तो आज बदरिया फील्ड की ये हालत नहीं होती। ईश्वर ने चाहा और आप सबका सहयोग मिला तो बदरिया फील्ड शहर का गौरव बनेगा, जो पालिका द्वारा बहुत जल्द कराया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवी मोहन अग्रवाल ने कहा, सजीव फरुखाबाद विकास मंच के अभी तक कितने वार्डों की कमेटी गठित हो चुकी है? ये आज 34वें वार्ड की कमेटी गठित हुई है, 34। तो आप चेयरमैनी के चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके मतलब जो है एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा है शहर में स्वच्छता लाना, कई सारे पार्क बनाना, पार्किंग बनाना, जल भराव व्यवस्था, जल निकास व्यवस्था को ठीक करना और पेयजल व्यवस्था को अच्छा बनाना, निर्माण कार्य को सुदृढ़ बनाना, लाइटिंग की व्यवस्था जो गलियों की है उसको बहुत अच्छा बनाना, सारे विद्यालय जो नगर पालिका ने वर्तमान में बंद कर दिए गरीबों के लिए उन स्कूलों को शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाना आदि बहुत सारी हम लोगों की कार्य योजनाएँ हैं। देखा जा रहा है कि आप जहां भी जाते हैं आपका भव्य स्वागत भी होता है और जनता का समर्थन भी मिल रहा है और कार्यकारिणी के लोग जो भी आश्वासन भी दे रहे हैं आपको चुनाव जिताने के, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये लोगों का एक हमारे प्रति प्यार है और हमें लगता है कि जो विगत 10-15-20 वर्षों से हम लोग समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज में कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज की एक किसी जिम्मेदार व्यक्ति से आशा भी होती है। तो जो विगत नगर पालिका में धांधलगर्दी हुई है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, उसको विकल्प के रूप में एक उम्मीद यहाँ पर जनता जो देख रही है शायद वही एक उम्मीद है। जैसा कि आप यहाँ अशफाक उल्ला नगर में आए और यहाँ बदरिया फील्ड में ये कार्यक्रम चल रहा है और आपने यहाँ घोषणा की कि अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बदरिया फील्ड को एक मॉडल बनाया जाएगा, इसको खूबसूरत बनाया जाएगा, तो अगर जनता ने आशीर्वाद दे दिया तो लगभग कितने समय में बदरिया फील्ड का जो है जीर्णोद्धार होगा? दो साल के अंदर बजरिया का जो स्थिति है वो हम लोग ऐसी कर देंगे कि शहर से लोग यहाँ पर घूमने आएंगे।